नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। नेशनल डेयरी पालन व्यापार की बढ़ोतरी हेतु आयोजित हुआ प्रशिक्षण, हड्डिया के सिविल पशु अस्पताल में काफ रैली का आयोजन। विशेष तौर से बलवीर सिंह सिद्धू, पशुपालन डेयरी विकास और कार्य विभाग मंत्री रहे मौजूद। वर्नाला से देवेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट। नेशनल डेयरी पालन व्यापार को बढ़ोतरी देने हेतु वर्नाला के कस्बा हड्डिया के सिविल पशु अस्पताल में काफ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन डेयरी विकास विभाग और कार्य विभाग मंत्री पंजाब बलवीर सिंह सिद्धू विशेष तौर से मौजूद रहे। पंजाब में पशुपालन व्यापार को बढ़ोतरी देने हेतु यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पंजाब राज्य के अंदर नौजवानों और किसानों को इस प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से उत्साहित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त पशुपालकों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। किसानों को उत्साहित करना कि जिहड़ी ब्रीड है वह अज के समय सब तो मुख लोड़ है। जिहड़े बाहरले मुल्क ने जां हरियाणा स्टेट अपनी वो ब्रीड करके सानू काफ़ी अगे निकल चुका है, पर सानू इस पासे आना बहुत जरूरत है कि किसान की जिहड़ी इनकम है उन्हें बढ़ाने वास्ते सानू कोई उपराले करने की लोड़ सी। कैप्टन साहब का यह सुपना है कि भी मैं अपने किसानों हर घर के रुजगार की गल की है, वो रुजगार कि वाधा हो सकता है, वो इस तरीके हो सकता है कि अज जी खेती है वो स्टैगनेट हो गई है, उस तो बाद फसल नहीं हो सकती। जां असीं 20 पशु रख लैने पर 20 पशुओं का दुध का जी प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10 किलो या 5 किलो होंगी है, तो जो असी चंगी ब्रीड के चंगी नसल के 5 पशु पाल लेते जिसकी दुध की एवरेज 20 किलो लीटर की आँदी है, वो थानों भी 2 पशुओं का मुकाबला करता 3 पशुओं का, तो वो चंगी सेहत मालक होता जो मार्केट मुल होना। मीडिया के द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समागम पर जाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह उनका निजी फैसला है और कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर किसी भी समागम में शामिल हो सकता है। कुछ लोग करते हैं पर वो बंदा एज ए दोस्त गए ने, दोस्त इनविटेशन से गए ने, तो जेकर असी कल जो किनिया मर्जी साढ़े रौले पै जाते हैं, किन्ने झगड़े हो जाते हैं, तो गल आफ्टर टेबल से निबड़ती है, तो जेकर असी अपने हालात सुधार सानू उन्होंने अपने संबंध सुखाफे बनाने पैणगे। एक सोशल जिहड़ा शिष्टाचार वो वक्रा होंगे, जिहड़ा एक पोलिटिकल वो वक्रा होंगे। हर बंदा साढ़े वाले भी तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम अपना साढ़ा एक घड़े चार कट के लेके आवेंगे, मुड़ के उन्होंने जन्म से जाके शामिल होए, कितनी बड़ी बड़ी गल है, ये नहीं गल होती। सिद्धू साहब एज ए फ्रेंड गए हैं, एज ए फ्रेंड उन्होंने बुलाया गया, तो जिहड़ा बंदा उन्होंने रिसीव करने सामने आएगा उन्होंने तो वेलकम कहोगे। बिल्कुल ने सुनो ये गल का भुलेखा जिहड़ा सैशन आ रहा दूर हो जाएगा और गल क्लीयर हो जाएगी, तो बिल थले तो बाहर आ जाऊ, तो बंदा कहड़ा कितने खड़ा,
जिहड़ी विरोधी पार्टियां ने उन्हां विरोधी पार्टियां ने 10 साल लगातार पंजाब लुट्टिया ते कुट्टिया, उन्हां दे सारे अपने लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने वास्ते इहो जिहे गलत फैसले लए, तो अज वो जिहड़े आके हुण वो रौला पाउंदे ने। चोर जिहड़ी तिणका हैगा तुहाडे सामने, जदों इह गल रिजल्ट सामने रिपोर्ट आ गई विधानसभा दे टेबल ते टेबल हो रही है और बहस होनी है, ये भजनगे। दलजीत उपराला जिवें पुछदा सी पहलां वी रख रहे हैं घर जी, ਜਿਹਦੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧੂਗਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧੂਗੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੂਗੀ, ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਹੋ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, SC ਨੂੰ 33 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ? ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਉਪਰਾਲਾ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ।